एक और, जहां पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है तो उसके भविष्य के परिणामों को ध्यान में रखते हुए लोग वृक्षारोपण कर वृक्षों को बचाने का संदेश दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आगरा के गांव बदरोली के जनप्रतिनिधि ग्राम मुकेश कुमार और ग्राम सचिव मोहम्मद नादिर हरे पेड़ों पर चाबुक चलाकर पेड़ों को लगातार काट रहे हैं। बता दें कि चकमार के किनारे आने वाले पेड़ों को भी ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की मर्जी से काटकर जमींदोज किया जा रहा है। वहीं ग्राम प्रधान के द्वारा 4 से 6 वृक्षों को काटने की बात कबूल की गई। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जनसुनवाई पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। फतेहपुर सीकरी खंड विकास अधिकारी मंगल यादव का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। तरह ऐसा है कि ये मतलब रास्ते में ट्रैक्टर वगैरह निकलते समय और भी परेशानियां आती हैं और रास्ते में जो चक्रोड़ में आ रहा है वो पेड़ कटा जा रहा है, बाकी का हम छोड़ रहे हैं। अच्छा, कितने अब तक कितने पेड़ काट दिए होंगे? ऐसे कितने पेड़ काटे गए होंगे? अब तक 4-6 पेड़ पीछे कटे हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आपने इसके लिए कोई वन विभाग से या उच्च अधिकारियों को? नहीं सर, इसके लिए मतलब झाड़ियों के लिए ये साफ करने के लिए हमने ले रखा है। सही नहीं, गलत है साहब, पेड़ ये कटने गलत है। अच्छा, ये कितने बड़े पेड़ होंगे? ये तो साहब देखो, बहुत दिन में पार हो जाता पेड़, 7-2 साल में पत्त हो जाए मानो, फिर बड़ा हो जाता तो बाकी हम देखभाल करते हैं, काटा पीटी की कर कुछ पवाई की। और कोई शिकायत नहीं, मैं 7 दिन काम करो सर नरेगा को। बदरोली का जो मनरेगा से चक मार्ग का काम चल रहा है उसमें आप लोगों के थ्रू मुझे संज्ञान में आया है कि कुछ पौधे काटे गए हैं। उसमें हमने जो हमारा मेन फोकस मनरेगा में प्रवासी मजदूरों का ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, कुछ 1-2 पेड़ वहाँ पर काटे गए हैं। उस संबंध में मैं इनको कहा हूँ अपने सचिवों को कि वहाँ पर रोड के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कराएं और उसको संज्ञान में लेते हुए ग्राम प्रधान और सचिव को मैंने हिदायत दी है कि आइंदा आगे ऐसा ना करें।